टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई जो कि अपने सुलतरी फोटोशूट्स को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा ट्रॉल भी हो रही हैं अपने हॉट फोटोशूट्स के लेकर, लेकिन इसी के साथ उनके फैंस उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या वो बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगी। जी हाँ, उन्होंने एक खुलासा किया है बिग बॉस के घर में एंट्री लेने को लेकर। आपको बता दें कि ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे कि आखिरकार उनके क्या कमेंट हैं कि बिग बॉस के घर में क्या वो आएंगी या फिर नहीं। इससे पहले उनसे पूछा गया था, उनसे ओपिनियन ली गई थी कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बारे में बताइए, तो उन्होंने एजाज खान और कविता कौशिक के बारे में कुछ बातों का खुलासा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने एजाज खान के बारे में बोला है कि एजाज खान जो कि एक सीनियर एक्टर हैं बिग बॉस के, और एक तरह से सीनियर एक्टर भी हैं, और किस तरह से वो कहती हैं कि वो जिस तरह से उन्हें जानती हैं, जो उनका कैरेक्टर है एजाज खान का, वो बिग बॉस के घर में बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कविता कौशिक के बारे में बताया। लोग कहते हैं कि कविता कौशिक थोड़ी सी फेक है, लेकिन उन्होंने बताया कि कविता कौशिक बिग बॉस के घर में जो है वो सही है, एक तरह से वो फेक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि कविता कौशिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहती हैं अपने लाइक्स डिसलाइक्स के चलते, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के चलते वो एकदम क्लियर रहती हैं, जो कि अब कविता कौशिक करती हैं। वो कविता कौशिक क्लियर मतलब एक तरह से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के सामने वो बता देती हैं कि वो उसे पसंद करती हैं या फिर नहीं, और उसकी कौन सी बात पसंद आई या फिर नहीं। इसी के साथ रश्मि देसाई से ऐसी लड़की वाले कमेंट पे भी पूछा गया, और रश्मि देसाई का एक चौंकाने वाला जवाब सामने आया था। बिग बॉस के सीज़न में एक बार सिद्धार्थ शुक्ला ने और रश्मि देसाई के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई को बोला था ऐसी लड़की ऐसी लड़की, जिस पर रश्मि देसाई काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी, और उनकी जो एक धांसू लड़ाई हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, और जिस लड़ाई से बिग बॉस की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। अब हाल ही में इस सीज़न में ही जो कि एज अ जज बनकर आए थे, मेंटोर बनकर आए थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने निक्की तंबोली को मजाक में बोला था ऐसी लड़की, जब उनसे पूछा गया एक तरह से, जब गौहर खान ने पूछा कि क्या तुम पसंद करती हो सिद्धार्थ शुक्ला को, और क्या सिद्धार्थ शुक्ला से पूछा था क्या तुम पसंद करते हो निक्की तंबोली को, तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी लड़की है जिसे मैं पसंद कर सकता हूँ। तो इस एक कमेंट पर जब उनसे पूछा गया रश्मि देसाई से, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि वो काफ़ी क्यूट है, एक तरह से उन्होंने इस कमेंट को क्यूट बोला था। इसी के साथ एक बड़ा खुलासा जो कि आप सब जानना चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में आखिरकार रश्मि देसाई एंट्री लेंगी या फिर नहीं। तो रश्मि देसाई का जो एक बड़ा खुलासा जो कि सामने आया है, उन्होंने बताया है कि बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया हुआ है ऑलरेडी कि बिग बॉस के आप घर में आए कुछ दिन रहें, लेकिन उन्होंने बताया है कि अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है कि क्या वो सोच रही हैं कि क्या वो बिग बॉस के घर में आए या फिर ना आए। जी हाँ, सो उन्होंने इस बात को रिवील किया है कि बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया हुआ है, और इस पर वो विचार विमर्श कर रही हैं, और किस तरह से अगर वो बिग बॉस के घर में आ जाती हैं फिर से, तो बिग बॉस की टीआरपी कहीं और ही चली जाएगी, और किस तरह से रश्मि देसाई के जो फैंस हैं उन्हें फिर से एक बार बिग बॉस में देखना चाहते हैं। अगर आप भी रश्मि देसाई के फैन हैं और आप भी उनको बिग बॉस में देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।